Hey guys, how are you all? I am Himanshi Bhatia from newvidyarthi.in and now we are going to question number 17, exercise 6.3. Ka. So quickly question, padho. Find the points on the curve y equal to x cube at which slope of the tangent is equal to y coordinate of the point. So first of all, he said that this is a curve and we are talking about tangent. So first, dy by dx. आगे की बात थोड़ा सा आगे करेंगे चलिए सो एज y इज इक्वल टू x क्यूब dy by dx या फिर लिख दो फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन की स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx और dy by dx कैसे निकलेगा x क्यूब का डेरिवेटिव लिख दीजिए 3x स्क्वायर ठीक है अब ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इन जनरल ठीक है अब मान लो x की वैल्यू 4 है मतलब x इक्वल टू 4 के लिए निकालना है तो इसमें 4 रख दो x इक्वल टू 5 के लिए निकालना है इसमें 5 रख दो तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग आ जाएगा स्लोप लेकिन हम आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें वो कह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है हम नहीं जानते वो पॉइंट क्या है पर हम जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसको लेट कर सकते हैं करते हैं अभी लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ में समझ लो कि ये जो कर्व है ये y equal to x cube का कर्व नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भेजे में ये घुसाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या वो कहना चाह रहे ठीक है समझे बात को तो देखो पहले तो ये समझ लो x comma y क्या होता है टू जब हम टू डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं x एक्सिस है y एक्सिस है तो कोई भी पॉइंट इन जनरल x कॉमा y रूप का होता है ये शक्ल होती है उस पॉइंट की उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक x एक्सिस वाला पॉइंट और एक y एक्सिस वाला पॉइंट तो इसका यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से मतलब है कि बार वाला हिस्सा y कोऑर्डिनेट जिसको कि हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और x कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस का होता है देख ले मैं यार स्पेलिंग सही है या नहीं तो आई ऑलवेज यू नो गेट कंफ्यूज इन दिस स्पेलिंग तो मुझे कमेंट्स में बताना कि करेक्ट है या नहीं ठीक है चलो तो इसको हटा रही हूँ मैं और ये ग्राफ जो है इन जनरल कोई भी ग्राफ है मान लो और उसके ऊपर ये जो पॉइंट है इस पर जो स्लोप आ रहा है टेंजेंट का मान लो ये पॉइंट है एच कॉमा के कुछ भी ले सकते हो एक्स वन वाई वन एक्स नॉट वाई नॉट कुछ भी मान लो ये पॉइंट है एच कॉमा के अब इसकी खास बात ये है कि अगर तुमने इस पॉइंट पे क्या निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला कैसे निकलता है इसके डेरिवेटिव से डेरिवेटिव मान लो एफ डैश आ गया क्योंकि ये एफ का है ग्राफ सिर्फ समझ लो इसमें भी हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव निकल गया लेकिन किस पॉइंट पे निकला एच पे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है उसका एक्स वाला हिस्सा क्या है h तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट है भैया क्योंकि dy by dx तो जनरल होता है ना dy by dx यानी कि f डैश में वो पॉइंट पुट करना पड़ता है जिस पे आप बात कर रहे हो ठीक है तो f डैश h क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड इट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इसी पॉइंट में h कॉमा k में y वाला हिस्सा कौन सा है k है बाद वाला हिस्सा तो इसको क्या करो ना k के इक्वल रख दो ये हमें काम करना है सबसे पहले यहाँ पे ठीक है तो इसको करते हैं देखो कैसे dy by dx मैंने निकाल दिया अब आप बोलोगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी कुछ भी तुम लेट कर सकते हो वैसे तो बिना लेट किए भी हो जाता है काम जो बारबाजी से कि 3x स्क्वायर को क्या रख दिया y के इक्वल रख दिया और उससे भी हो जाता है काम लेकिन हम विद प्रेजेंटेशन करेंगे या तमीज से एग्जाम में करने लायक तो हमने क्या किया लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एच कॉमा के ले लू एक्स नॉट वाई नॉट क्या लू चलो एच कॉमा के ले लेते हैं एच कॉमा के ठीक है जी सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये टेंजेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने एट एच कॉमा के इज 3 इंटू एच का स्क्वायर अभी 3x स्क्वायर कहां से आ गया एफ डैश के अंदर यानी डी वाई बाई डी एक्स में मैंने x इक्वल टू एच पुट कर दिया क्योंकि एच कॉमा के पे मेरे को k
क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, तो ये आ गया. ऑल्सो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है ना, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ h कॉमा k. दे रखा है ना उसने, ये वाली जो लाइन है ना इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, नाली को तो भी चलेगा, क्वेश्चन में जो गिवन है ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वो क्या कहना चाह रहा है, किसके इक्वल होना चाहिए, के के इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट ना, तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू k हो गया. अभी हमारा काम यहां तक का हो चुका है, तो अब आगे क्या करें बॉस, सोचो थोड़ा सा. इसमें h और k में रिलेशन आ गया, पर हम वैल्यू निकाले कैसे, तो खास बात तो ध्यान में आई नहीं आपके. अभी जो मैंने कर्व रब कर दिया, उस कर्व पर h कॉमा k लाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था ना. h कॉमा k जो है वो ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट पर भी है और कर्व पर भी है, तो इसलिए कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू x क्यूब यूज हो जाएगी. भैया कर्व के ऊपर कोई सा भी पॉइंट है वो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे थे. आप बोलेंगे नाउ एज h कॉमा k लाइज ऑन, पड़ता है, गिरा हुआ है इसके ऊपर, पड़ा हुआ है किस पर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. इसका मतलब y की जगह पे k रखो, क्योंकि h कॉमा k इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो y की जगह पे k और x की जगह पर h. ये बात सही होनी चाहिए, k जो है x क्यूब, सॉरी y इक्वल टू एक्स क्यूब में y की जगह पे k रखा और h x की जगह पे h रखा, तो ये बात सही होनी चाहिए कि k जो है x क्यूब के इक्वल होना चाहिए, h क्यूब के इक्वल, राइट. तो अब हमारे पास दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन आ गई, काम हो गया. तो बोलेंगे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, बाय वन एंड टू क्या मिल गया हमें, वन और टू से यहाँ पे k 3h स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे k h क्यूब के इक्वल है, तो आप कह देंगे कि भैया 3h क्यूब, 3h स्क्वायर एंड h क्यूब आर इक्वल, ठीक है जी. तो यहां से आपको क्या मिला, बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे समय पर, बहुत से लोग h स्क्वायर वहां पे भी है, यहाँ पे h क्यूब है, 2h तो दोनों जगह पे है, एच स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल टू 3, सही बात है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं. लेकिन बेटा ध्यान में रखना, वो चीज हम तब करते हैं जब जिसको तुम काट रहे हो ना लेफ्ट और राइट से, वो नॉन जीरो होना चाहिए. यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बताया कि h जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है ना कि h जीरो आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, आपको दोनों को एक साइड लेकर जाओ, यानी कि 3h स्क्वायर माइनस एच क्यूब कर दो जीरो के इक्वल, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर को आप ले लो कॉमन, ठीक है, यहीं पे कर रही हूं मैं, थोड़ा सा इसको जगह बना के हम यहीं कर रहे हैं, 3h स्क्वायर एच क्यूब के इक्वल आया, यहां से हमें मिला 3h स्क्वायर माइनस एच क्यूब जीरो के इक्वल, तो यहां से आप क्या करोगे, एच स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ठीक है जी. एच स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे तो 3 बचा, माइनस यहाँ पे एच बचा, 3 माइनस एच इंटू एच स्क्वायर, ठीक है. अब दो चीजों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों को एक एक बार जीरो रख दो, एच स्क्वायर जीरो हो सकता है, यानी कि एच जीरो बाय किसी का स्क्वायर जीरो हो रहा है तो कुछ जीरो होना चाहिए, और 3 माइनस एच को जीरो रखोगे तो एच कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, 3 माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब एच इक्वल टू 3, तो हमें दो पॉइंट मिल गए. चलो इतना काम हो गया क्वेश्चन, देन लिखते हैं आंसर. नहीं, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट ही फाइंड करना है, करेक्ट बात है, लेकिन ये तो पॉइंट का सिर्फ पहला वाला हिस्सा है, एच वाला है ना. अभी हमें के भी निकालना है, हमने क्या लिखा था, लेट एच कॉमा के बी द, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एच कॉमा के, यानी कि उसके दो हिस्से है ना, तो के निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन में पुट करोगे, कौन सी इक्वेशन में, y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट. ये हमारी
कर्व की इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे एज k इक्वल टू एच क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, k इक्वल टू एच क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि h कॉमन k हमारा जो पॉइंट है वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे भी लिख सकते हैं k एट, या फिर ऐसे लिख दो फॉर h इक्वल टू जीरो, k क्या है जीरो का क्यूब, क्योंकि हमें h का क्यूब करना है k को प्राप्त करने के लिए, k को लाने के लिए, तो कितना मिल गया जीरो, ठीक है जी। सो या साथ ही में एक और पॉइंट निकाल दिया फॉर एच इक्वल टू थ्री, दूसरा पॉइंट क्या है एच के लिए थ्री, तो के कितना आएगा थ्री का क्यूब यानी कि 27, तो एच को जब आपने जीरो लिया तो वाई जीरो आया, इसका मतलब जीरो जीरो हमारा पॉइंट हो गया, और जब आपने एच को थ्री रखा तो के कितना आ गया 27, यानी कि 3.27 हमारा पॉइंट हो गया। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए, 0.0 एंड 3.27 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है जी। दो पॉइंट्स आ गए, क्वेश्चन में उसने एस लगा रखा है यहाँ पे, यानी कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, दो आ गए, तो इजी क्वेश्चन था, विद प्रेजेंटेशन हमने किया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, हमारी वीडियोज को लाइक करते रहो, एंड टेक केयर।